अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक के फजल व करम से शवाल का चांद नज़र आ चुका है और कल बरोज़ अतवार सारे आलम इस्लाम में और आलम इस्लाम के अलावा जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं उन सब जगहों में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ईद होगी। और ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक ही दिन सारे मुसलमान ईद की नमाज अदा करेंगे। ये एक बहुत मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सारी दुनिया में एक ही दिन ईद हो रही है, एक ही दिन ईद होगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये अल्लाह की एक बड़ी अजीम नेमत है मुसलमानों का इत्तेहाद कि सारी दुनिया में एक जगह ईद हो रही है। वरना हर साल ऐसा होता था कि सऊदी अरब में एक दिन पहले ईद थी और पेशावर में भी हमसे एक दिन पहले ईद होती थी, जैसे हमारे यहाँ ये रोज़ा हमने एक दिन बाद में रखा उनसे। तो ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस मतबा ऐसा हुआ अल्लाह के फजल से कि ये हो गई। अब इस लिहाज से हमने तो एक ये अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है कि ये बड़ी अल्लाह ने अजीम नेमत अता की। इसके साथ साथ अल्लाह से ये दुआ भी करनी है कि अल्लाह पाक मुसलमानों को इसी तरह इत्तेहाद और इत्तेफाक नसीब फरमाए कि हमेशा हर काम में मुसलमान मुत्तहिद होकर चलें, एक दूसरे की टांग न खींचें बल्कि सब एक हों। एक बात। दूसरी बात इत्तेकाब वाले भाइयों से करूँगा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से अल्लाह पाक ने तौफीक अता फरमाई इत्तेकाब की, तो इस लिहाज से तो बड़े एक मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप हज़रात। लेकिन एक गुजारिश मैं और करूँगा कि एक तो पहले ही ऐलान बहुत देर से हुआ था कि अगर नज़र आया था फिर भी ऐलान जल्दी होना चाहिए था, 7:30 बजे ऐलान हो जाना चाहिए था, और नहीं भी नज़र आया फिर भी हो जाना चाहिए था। हम क्या भी मुसलमान शुरू रमज़ान से लेकर आज तक जहन्नम से आज़ाद हुए, हर रोज़ अफ्तार के वक़्त 10 लाख लोग अफ्तार के वक़्त जहन्नम से आज़ाद हुए और जुमे वाले दिन हर हर मिनट में 10-10 लाख आदमी आज़ाद हुए। तो शुरू से लेकर अब तक यानी पूरे इस महीने में जितने भी लोग जहन्नम से आज़ाद हुए आज की रात को उतने ही और लोग अल्लाह जहन्नम से आज़ाद करेंगे। तो इस लिहाज से ये रात बड़ी ही अहम रात है, बड़ी अहम रात है। इस रात में इबादत का बड़ा सवाब है, बड़ा सवाब है। तो इसलिए मैं इत्तेकाब वाले भाइयों से ख़ास तौर पर यह गुजारिश करूँगा और दूसरे हम सब के लिए भी ये बात है कि इत्तेकाब वाले भाइयों ने जैसे ये जो है ना 20वें रमज़ान से लेकर अभी तक इन्होंने जो वक़्त निकाला, तो कोशिश करें कि इस रात में भी ज़्यादा नहीं तो एक पारा पढ़ लें, 2 रकत नफल पढ़ लें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लें, जाएं बाज़ार में जो चीज़ ज़रूरत है वो ले लें, लेकिन जल्द वापस आकर घर में पढ़ लें। मस्जिद नहीं आ सकते कोई मसला नहीं, बेहतर ये है कि मस्जिद में आ जाए, नहीं तो घर में अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करें, तिलावत कुरान करें ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम यहाँ इत्तेकाब में गुजारने के बाद सारी रात जब जाते हैं बाज़ार में वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की हिफाजत फरमाए। हमारे यहाँ जो है जी मस्जिद में अब देखें हमने हर जगह पर कहा गया, लोगों ने पाबंदी की, हमने कहा जी हालांकि मस्जिद में तो जो भी आता है वजू करके आता है, साफ कपड़े पहन कर आता है, लेकिन फिर भी लोगों ने एहतियात की कि भाई नमाज पढ़नी है कि भाई ये बीमारी ना लग जाए किसी को। लेकिन बाज़ारों में ये चीज़ देखी नहीं गई, बाज़ारों में हर चीज़ उन्होंने बुला दी। अब देखें बाज़ार में इससे बढ़कर ख़तरनाक चीज़ जो ईमान के लिए ख़तरनाक है, जान से भी बढ़कर, वो क्या है, वो ईमान की खराबी जो आज हमारे बाज़ारों में मर्द और औरतें एक साथ अब इस वक्त में बाज़ार में जाना यकीन जानिए बहुत ही ईमान के लिए ख़तरा है, ईमान के लिए ख़तरा है। इसलिए मेरे भाइयों ये भी मैं गुजारिश करूँगा कि अगर बाज़ार में जाएँ तो हत्तल इम्कान ये कोशिश करें कि ऐसे धक्कम धक्कल ऐसी चीज़ों से बचें और जो है ना वो बस औरतों के साथ इख्तलात और उनसे धक्कों से बचें और जो चीज़ खरीदनी हो जल्दी खरीद कर घर आ जाएं, घर आकर जो है वो अल्लाह को राज़ी करें, इबादत करें, तिलावत करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जो है ना हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। इन भाइयों को एक और मैं मुबारकबाद दूंगा, इन सब से खुसूसी तौर पर अपने लिए दुआ करवाएं, सब ज़रूर दुआ करवाएं अपने वालदैन के लिए, सब के लिए। क्यों? क्योंकि ये 10 दिन इन्होंने अल्लाह के घर में गुजारे
दस दिन अल्लाह को राजी करने के लिए ये आ रहे, तो इन्होंने अल्लाह के लिए ये दस दिन वक्फ किए, इनसे बढ़कर बड़ा कोई कुछ नसीब नहीं हो सकता, तो इनके लिए इनसे दुआ करवाएं। जब तक घर नहीं गए, घर गए तो फिर काम खत्म, घर जाने से पहले इनके इनसे खुसूसी तौर पर दुआ करवाएं कि अल्लाह हमारी भी जितने बीमार हैं अल्लाह सबकी जो है ना उनको शिफाए कामिला जलाता फरमाए और उम्मीद की मगफरत फरमाए और अल्लाह हम सबका हामी ना सके। तो तमाम हजरात जो है वो एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और इखलास के साथ यदि हम दुआ मांग लेते हैं अल्लाह से, अल्लाह पाक हमारी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। Oh